अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज का जो दिन था वो भी सियासी गहमा गहमी की नजर हुआ। एहतसाब अदालत के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने हंगामा आराई की और बेशतर जो कारकुनान थे वो शदीद जख्मी भी हुए। उसके बाद उसकी गूंज पंजाब असम्बली के आज के सेशन में भी रही। ये कहना था पंजाब असम्बली के जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जबकि इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई वजीर इतलात हैं चौहान फैजुल चौहान साहब उनका यह कहना था कि मुस्लिम लीग नून अब सियासत कर रही है और ये पॉलिटिक्स जो है वो हम नहीं होने देंगे, लाशों की सियासत करना चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि सियासत में हो क्या रहा है और आवाम बीच में कहां पिस रही है, क्योंकि असल मुद्दा तो आवाम का है। आवाम परेशान है बढ़ती हुई कीमतों से और बिजली के बिलों से और पानी से और गैस की अदम मौजूदगी से। सियासतदान क्या कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। वजीरे कानून राजा बिशारत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए टाइम देने के लिए। जब वजीरे कानून राना सनाउल्ला साहब पे बहुत तनकीद की जाती थी उनके ऊपर जब भी इस तरह के कोई एहतजाज होता था, आज न्याय अदालत के बाहर जो कारकुनान के साथ सलूक हुआ उसके ऊपर क्या टेक है आपका? उसके ऊपर ये है कि मेरे ख्याल में वो जितनी इतनी बात हुई नहीं है जितनी इसके हाइप क्रिएट कर दी गई है। वाकया के बाद नून लीग के रहनुमा, मैंने रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट में बताया गया है कि नून लीग के रहनुमा जो हैं उनके बाकायदा मुलाकात हुई है पुलिस और इंतजामिया के साथ, और उस मुलाकात में उन्होंने ये अफहाम व तफहीम के साथ तमाम मामला तय कर लिए। अच्छा, मतलब पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद से लाशों की सियासत की बात। वजीर इत्तलात फयाज चौहान साहब कहते हैं मैं आपने एक वाक्य के मुतल्लिक कहा, मेरे पास तहरीरी रिपोर्ट मौजूद है कि ये इशू रिजॉल्व हो चुका है और बामी अफहाम व तफहीम के साथ पुलिस हुकाम और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान मफाहमत हुई है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि चपकलश थोड़ी सी हाथापाई जरूर हुई है कारकुनों के दरमियान और पुलिस के दरमियान, लेकिन ना कोई जख्मी हुआ है ना किसी के खिलाफ पर्चा हुआ है ना कोई गिरफ्तारियां हुई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है फैसल जबवाना साहब ने जो कि मशीर हैं वजीर आला पंजाब के महकमा लाइफ स्टॉक के हवाले से, ही इज द राइट पर्सन, इनसे सवाल हम पूछेंगे। सर ये मुर्गियों का मामला, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब चाहते थे कि लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, लेकिन उसको किसी और पहलू में लिया गया और उसका मजाक उड़ाया गया, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने जब पहले दिन अपनी स्पीच की थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो उन्होंने मेल न्यूट्रिशन और ह्यूमन और स्टंटेड ग्रोथ की बात की थी। ये प्रोग्राम दो हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। एक तो प्रोटीन के हवाले से, इससे बेहतर सोर्स नहीं। दूसरा, पावर्टी एलिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, पावर्टी को कम करने के लिए इस हवाले से भी ये प्रोग्राम जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि देखिए, मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो आपकी रूरल एरिया में रहती है। जब रूरल एरिया में इतनी पॉपुलेशन रहती हो और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, और एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक का जो हिस्सा है वो 58.9% जो है जीडीपी में लाइफ स्टॉक का हिस्सा है एग्रीकल्चर में, तो इससे ये जहर होता है कि लाइफ स्टॉक जो है एग्रीकल्चर में कितनी अहमियत का हामिल है। तो इन आम आदमी को खान साहब ने जो बात की वो आम आदमी को एड्रेस किया है और उसमें ऐसा उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है जो स्क्रैच से लेकर टिल एंड तक जो है ये ऐसा प्रोग्राम है जो स्क्रैच से स्टार्ट होता है। फैसल साहब, अब नाकिदीन ये कहते हैं, ऑपोजिशन ये कहती है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जिस लेवल पर ये इनिशिएटिव लिया गया है, यानी वजीर आजम पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ना लेते, क्योंकि जिस तरह से आप हैं महकमा लाइफ स्टॉक है या फिर उस्मान बुजदार साहब हैं, उस लेवल पर इस तरह के इनिशिएटिव लेना अच्छा लगता है, वजीर आजम के पास और बड़े काम होने चाहिए करने के लिए। देखिए,
جس لیول پہ خان صاحب نے بات کی ہے اگر پنجاب ایک صوبہ اس لیول پہ بات کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کا امپیکٹ نہ آتا جو خان صاحب نے سپیچ کرنے کے بعد امپیکٹ آیا. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں, کل ڈپارٹمنٹ میرے پاس آیا ہوا تھا اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ابھی ہمارا پراپرلی پروگرام شروع بھی نہیں ہوا تو اتنی زیادہ بکنگ ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے ریسورسز کو مزید ڈیولپ کریں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب بات کریں گے تو اس کا اور امپیکٹ ہوگا اور صوبہ بات کریں گے تو اس کا اور امپیکٹ ہوگا, اور انہوں نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لیا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سمیہ چودھری صاحبہ نے جو کہ ہنسلو کی میئر ہیں اور یہ پہلی خاتون میئر ہیں وہاں پہ, اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ پاکستانی بھی ہیں. سمیہ صاحبہ آپ پاکستان میں اس وقت تشریف لے کر آئی ہیں جب اس کو ٹائٹل مل چکا ہے نیا پاکستان کا, اور نیا پاکستان کا منشور یہ تھا کہ ہم بلدیاتی نظام کو یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں گے جس کا حصہ ایک آپ بھی ہیں ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری میں. تو آپ کیسے فرسٹ ورلڈ کنٹری کو اور پاکستان کے لوکل گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں, کمپیریزن کیسے کرتی ہیں؟ لوکل گورنمنٹ کو جو امپروومنٹ کی بات آتی ہے نیا پاکستان, میں بھی جب پلین میں بیٹھی تھی تو میں نے بھی سوچا تھا یس ہم وی آر گوئنگ ان ٹو دا نیا پاکستان. لیکن ایک چیز کو ہمیں بہت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, کہنا یہ بہت آسان ہے کہ وی آر کمنگ ان ٹو نیا پاکستان, بٹ نئے پاکستان کو بنانے کے لیے ہمیں ٹائم بھی چاہیے. سو آل سے جو بھی لوکل اتھارٹیز کر رہی ہیں, جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے, ایم شیور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور اچیو کریں گے اس چیز کو. میں بھی لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہوں, یو کے میں میئر ہوں ایک کاؤنسل کی, یہ چیزیں ایزی آسان نہیں ہیں. ہم لوگ ایز اے نارمل ریزیڈنٹس جب ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان امپروومنٹ کو لانے کے لیے ایز این انڈیویجول ہم کتنا کام کرتے ہیں. اور دوسرا حصہ سوال کا میرا دوسرا حصہ یہ تھا کہ آپ اگر کمپیئر کریں لوکل گورنمنٹ آف لاہور اور لوکل گورنمنٹ آف ہنسلو تو کیا تبدیلی کیا دیکھتی ہے, چینج ڈفرینس کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ جو چینج ڈفرینس ہے آئی تھنک ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے امپروومنٹ کی جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ جو ربش کلیکشن ہے, اب میں چودھری صاحب سے اس بارے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ دیٹ وی کین سینڈ یو فیو پلانس ٹو سی کہ ہاؤ یو کین اف یو یوز دوز ہاؤ یو کین امپروو دیم لوکلی ہیئر. اور لوکل لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ کیا کرتی ہے وہاں؟ آئی تھنک لوکل لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے آنیسٹلی اسپیکنگ سب سے پہلی تو ضروری بات یہ ہے کہ ان کو ہم پہ اعتماد ہونا چاہیے ایز اے لوکل پولیٹیشین. اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ورکنگ آن وومنز امپاورمنٹ انتہا کا ضروری ہے کہ عورتوں کو ہم اس چیز کی آگاہی دیں, ان کو باہر لے کے ان کو بتائیں کہ یہ بہت ضروری ہے. اٹس جسٹ ناٹ پولیٹکس, لیکن آپ لوگ باہر آئیں, اس سوسائٹی کا آپ لوگ حصہ ہیں, اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو امپروو کریں, اس سوسائٹی کے ساتھ مل کے اپنی لوکل لیول گورنمنٹ کو بیٹر بنائیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. بہت اچھی بات کرتی ہیں اور جو سخت سوال ہم اسے پوچھتے ہیں ان کا دلیری سے سامنا بھی کرتی ہیں. مسرت صاحبہ ایک چیز سب سے زیادہ گلہ اپنے پروگرام میں میں تقریباً ایک ہفتے سے یہ کر رہی ہوں, پاکستان تحریک انصاف سے جو شکایت ہے عوام کے پرسپیکٹو سے قانون سازی کہاں گئی, ایک بھی بل پاس نہیں ہوا, ایک بھی قانون جو ہے وہ بنا نہیں ابھی تک. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ابھی تک نہیں بنا. دیکھیں ہمارے اوپر جو فرسٹ 100 ڈیز تھے نا ان کا اتنا پریشر تھا کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی تھی, بہت ساری چیزوں کی جو انیشیل پلاننگ ہے. دیکھیں آلریڈی ہماری اسمبلیز جو ہے نا اوور لیجسلیٹڈ ہیں, اور بات ہے سیدھی سیدھی بات کہ ایگزیکیوشن سے چیزیں ٹھیک ہونی ہوتی ہیں. آپ قانون بنا کے رکھتے جائیں اور ایگزیکیوشن تو آج ہمارے بیسک لاس کے اوپر بھی نہیں ہوئی اکاؤنٹیبلٹی پہ پریکٹسز ویسی ہونی چاہیے نا. لاس تو ہمارے کچھ اور کہتے ہیں اور پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے. سو ان شاء اللہ یو ول سی سون کے ہمارے خواتین سے ریلیٹڈ. بظاہر مسرت صاحب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود سے انیشیٹو لیں گے تو پھر یہ قانون سازی کا جو عمل ہے وہ شروع ہوگا, اور جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے وہ جو ہیں وہ سگنل کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو گرین سگنل ملے گا وہاں سے کچھ ہوگا, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ پنجاب کے بھی 100 ڈیز کا جو ہے نا فائنل ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے, جو کہ پہلے میرا خیال ہے 10 دسمبر تھی ڈیٹ, ابھی تھوڑا سا ایک آدھ دن آگے ہوا ہے یا چینج ہوا ہے تھوڑا.
जैसे ही ये हम कर लेते हैं उसके फौरन बाद इमीडिएटली यू विल सी एक तो कमेटीज वगैरह जो भी सारी फॉर्म होनी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी अभी तक उसकी वजह है ना उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी वो लोग जो खुद मतलब एक चीज़ के लिए किसी भी जुर्म के लिए वो खुद कल्प्रेट हैं तो वो आपको आके आगे क्या अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अच्छा मुस्तफा साहिबा आपकी इजाज़त से उनैजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अच्छा मुस्तफा साहिबा आप भी ज़रा ज्वाइन करेगा क्योंकि काउंटर क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ। अब उनैजा साहिबा अब मैं मुस्तफा साहिबा से मैंने ये सवाल पूछा है कि कानून साजी क्यों इतनी स्लो है अभी तक आपको भी मालूम है एक भी कानून पास नहीं हुआ तो वो कहती हैं कि होगा अभी लेकिन आवाम को क्या जवाब दें आप इस पर क्या कहें जवाब दें कि वो कानून साजी में मसरूफ़ नहीं है पीटीआई की गवर्नमेंट वो मसरूफ़ है इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ पे केसेस खोलने में हम उनको पूछते हैं या आवाम पूछती है कि टमाटर महंगा क्यों है तो वो कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में फ्लैट बना लिया हमने नई फाइल भेज दिया हम पूछते हैं कि यहाँ पे ये तजावजात को क्यों गिराया जा रहा है गरीबों के साथ इतना बुरा सलूक क्यों हो रहा है वो कहते हैं हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ पे या शहबाज शरीफ पे केस खोल के या दीवारें गिरा के ये आवाम का पेट भर लेंगे तो ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरा और ये बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं कौन सा इन 100 दिनों में ऐसा काम है इन्होंने जो आवाम के लिए किया है जिससे आवाम को रिलीफ मिला हो आप खुद मुझे बता दें किसी ने देखा है कुछ ऐसा होता हुआ। इन्होंने कहा था कि हम पुलिस का निज़ाम बदलेंगे इन्होंने ये पुलिस का निज़ाम बदला है कि आज जब वो हमारे वर्कर्स जो थे वो मियां शहबाज शरीफ की सपोर्ट के लिए और अपने लीडर को देखने के लिए जब वो आज नायब अदालत के बाहर थे तो वहाँ इन्होंने ख्वातीन पे भी पुलिस ने तशद्दुद किया ये है इनका नया पाकिस्तान। इससे तो पुराना पाकिस्तान बहुत अच्छा था जब पुलिस का रवैया इतना बुरा नहीं था ये पुलिस गर्दी नहीं हुआ करती थी उस दौर में। सही है तो मुस्तफा साहिबा कैसे जवाब देंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इन पे जितने भी केसेस हैं जिनको ये भुगत रहे हैं वो हमारे से पहले के हैं और हमने कोई एक केस भी अभी नया नहीं बनाया। उसकी वजह यह है कि हम देखें ऑलरेडी जिन केसेस को ये भुगत रहे हैं उनके भी चीज़ें आगे इंशाल्लाह ताला सामने आ जाएंगी अच्छी तरह से अवाम के आगे और उसके बाद हम अब विद एविडेंस हुआ ये कि हम समझते थे कि पनामा इज़ द किंग ऑफ करप्शन स्टोरी बट हुआ ये कि जब हमारे पास गवर्नमेंट आई है हमारे लिए इट्स एन आई ओपनर के दैट वॉज पीनट जो करप्शन का लेवल है जो इस मुल्क के साथ लूट खसूट हुई है वो हमारी सोच और समझ से कहीं आगे की बातें हैं। सो अब हम इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम चूँकि दे आर राइट के भी आप विद एविडेंस आए अब चूँकि यू आर द गवर्नमेंट राइट सो नाउ अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल। इस मुल्क में जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी टमाटर सस्ता हो नहीं सकता। जब आपके बजट का पैसा आपका हेल्थ का पैसा एजुकेशन का पैसा साफ पानी का पैसा एक मनसूबे में लगता है ना और उसमें जब करप्शन की नई नई स्टोरीज बनती हैं ये बहुत देखे इफ़ आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में लोगों के पास साफ पानी ना हो गटरों वाला पानी वो पी रहे हो और मेरी जो इनकम है वो मेरी जो आमदन है वो मेरे सोर्स ऑफ इनकम से मैच ना करती हो तो लोगों को पूछना चाहिए कि बीबी इफ यू आर वेयरिंग दिस ब्रांडेड जोड़ा एंड आप ब्रांडेड पर्स लेके फिर रही हैं आपके मियाँ तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है कैप्टन सफदर की क्या आमदन थी जो बीबी का एक वक्त का कॉस्ट्यूम होता था वो पूछा जाना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं हमें अवाम अपने वोट से लीडर बनाती है तो टमाटर महंगा 100 दिनों में नहीं हुआ। डॉलर जो खजाना क्यों खाली है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक ही शिकवा है कि खजाना खाली करके गया खजाना खाली था तो फिर 1100 अरब का खसारा इस सूबे से दिया गया जो 100 अरब सरप्लस में इनको मिला था इसका जवाब है इनके पास। हम डॉलर कहाँ से सस्ता करें डॉलर अगर 100 दिनों की परफॉर्मेंस की वजह से गिरा तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। इन लोगों ने इस मुल्क की जड़ें खोखली की हुई हैं ये मुल्क इमारत आपको नजर आती है अंदर से इसकी बेस खत्म थी और जिस तरह से हम इस मुल्क को दिवालिया होने से हमने बचाया है ये वक्त बताएगा और इस मुल्क के अवाम हमारे ये कह रही अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज के दिन तक वो लॉन्ग बूट पहन के खड़े होते थे सड़कों पर जिसको पेरिस कहते थे इन्होंने फुटपाथ पे खड़े हुए लोगों के लिए हमने किया पनागा लॉन्च की उसके बाद उनको हमने टेंट्स दिए उसके अलावा हम जवाब लेते हैं उनैजा साहिबा से। आप जो कह रही है ना खजाना खाली ये मैंने जरूर जरूर जवाब लेने उनैजा साहिबा खजाना क्यों खाली खजाना क्यों खाली अगर खजाना खाली है अगर खजाना खाली था तो फिर इस हाक डार के दौर में हमारी गवर्नमेंट के दौर में महंगाई क्यों नहीं थी लोगों के बच्चे भूखे क्यों नहीं सोते थे उस वक्त क्यों डॉलर 103 पे था हमारी गवर्नमेंट में 5 साल डॉलर 103 पे कैसे रहा है। खजाना तो हमने खाली किया है लूट घसूट तो हमने की है ब्रांडेड जोड़े हमारे लीडर्स पहनते थे तो फिर उस वक्त अवाम में ये खलबली ये हलचल क्यों नहीं थी। आज यहाँ से आप बाहर निकले जगह जगह पे एहतजाज हो रहे हैं उस 5 साल की हुकूमत में थे कोई ऐसे एहतजाज आज नहीं थे कुछ भी नहीं था इन्होंने ज्यादती किए क्या इसहाक डार को ये पता था कि अगले 5 साल उसको नहीं मिलेंगे उनके पास पूरी प्लानिंग थी उनके पास पूरा
उन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने उसके मुताबिक उन्होंने अपने कर्जे भी उतारने थे और मुल्क की मईशत को नुकसान भी नहीं हो। चले के गए फिर मुल्क से इसहाक डार साहब? जी इसहाक डार साहब मुल्क से बाहर इसलिए नहीं गए हैं, इसहाक डार साहब अपनी सेहत की खराबी की वजह से गए हैं और वो आ जाएंगे। आप लोग वीडियोज तो देखते हैं, हम सड़कों पर वॉक करते अक्सर नजर आते हैं। आप लोग पहले मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापस ले आए ना, फिर हम इसहाक डार साहब का भी पूछ लेंगे सवाल। तो हम उनसे कर मुशर्रफ साहब तो फाइनेंस मिनिस्टर थे ही ना, इसहाक डार साहब तो सदर पाकिस्तान तो थे ना, तो उन पे भी केसेस बने हुए हैं, वो पहले पाकिस्तान आ जाएं, फिर हम इस आपके ये जो जितने भी आपने नकात पेश किए हैं हम मुशर्रफ साहिबा से इसका जवाब लेंगे। मुशर्रफ साहब किन के दौरे हुकूमत में गए हैं, इन्होंने मुशर्रफ साहब को जाने क्यों नहीं दिया, इन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया, एक ये और एक वो जो अपनी वालदा का इल्जाम शायद उन पे आजकल लगाते हैं, दोनों ने कुर्सियां बचाई। मुझे ये बताओ कि एक पार्टी के लीडर को कहते हैं बकौल उसके कि उन पे मर्डर का चार्ज करते हैं, दूसरे कहते हैं हमें इन्होंने बिला वजह जिला वतन किया था, और उसके बाद ये प्रोटोकॉल में इनको इन्होंने क्यों जाने दिया, हमारी हुकूमत में तो नहीं गए। सो वी आर नॉट इसहाकदार आएंगे तो मुशर्रफ भी आएगा, ये लोगों को या पोलिटिकल टॉक के लिए तो इट्स अ गुड मटीरियल फॉर द टॉक शो, रियलिटी कुछ और कहती है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए मुशर्रफ साहिबा के खजाना तो खाली है लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आवाम स्टेबल हो जाए, ये कितने दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे या साल लग जाएंगे? स्टेबल करेंगे, हेलीकॉप्टर से इनका लीडर नीचे नहीं उतरता, लाहौर उसने आने हेलीकॉप्टर में आने, लाहौर वो घूमता है हेलीकॉप्टर में घूमता है, बनीगाला से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है हेलीकॉप्टर में जाते हैं, ये मुल्क की मईशत को संभालेंगे, ये अवाम को रिलीफ देंगे। प्लीज आप बस करें, जितना मैं इनके लीडर को जानती हूँ ना उतना ये लोग खुद भी नहीं जानते, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अल्लाह बचाए, हम नजरियाती लोग हैं, नजरियाती ना होते तो आज हम भी इमोरलिटी की बेसिस पे इमरान खान के साथ होते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये हमारे से ज्यादा किसी को नहीं पता जितना ये हमारे लीडर को करीब से जानती है, तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात ये कि यू विल सी सून के देखें अब चेंज कैसे आएगा। अब सबसे अच्छी खुशाइन बात ये कि 70 सालों का गंध हमसे लोग तवक्को लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे ये है कि हम वो दिनों में खत्म करें जो कि हम करेंगे। 100 डेज में डायरेक्शन सेट हुई, अगले 100 डेज में जितने बड़े चोर है मेगा करप्शन स्कैंडल्स को हम इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे, लोग अंदर होंगे, पैसा बाहर होगा खजाने में जब लोगों पे लगेगा ना। तो आई एम नॉट सीइंग ये दोनों जो जमातें थी इनका मैं पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं देख रही, इनका फ्यूचर वही कोई अच्छी जेलें हम इंशाल्लाह, और हम जेलों को भी राइट्स जो कैदी जितने हैं उनको हम इक्वल राइट्स तो जेल में डालेंगे और कैदियों को राइट्स देंगे। हाँ हाँ, हम इनको साफ पानी देंगे, अच्छी वाली दाल देंगे और अच्छा मेन्यू होगा, फॉर्चुनेटली भी देंगे। चलें जी ये देखें, अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब भी उनके साथ ही अंदर होंगे, और बल्कि सिर्फ वही दोनों बहन भाई अंदर होंगे क्योंकि उनका तो देखें जी आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जी वालदा बीमार थी, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उससे इंस्पायर होके इमरान खान साहब ने शौकत खानम बनाया, ठीक है, और उसके बावजूद उनकी ये अरबों की जायदाद दुबई में निकल आई। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि 100 दिन की बात हमने नहीं की थी, हमने नहीं इमरान खान साहब को कहा था कि 100 दिनों में कुछ करके दिखाएं, ये इमरान खान साहब ने कहा था। और जिस फाइनेंस मिनिस्टर के बड़े दावे दम भरते थे पिछले 22 सालों से कि असद उमर आएगा तो ये हो जाएगा, असद उमर आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान जो है जहाज में बैठ जाएगा, आज उसी फाइनेंस मिनिस्टर को ये चेंज करके एक नया फाइनेंस मिनिस्टर लाने लगे। नया लाने लगे आप लोग? नहीं ये पता नहीं, हम इस हकदार को नहीं ला रहे, फौजर उनको लाएंगे जेल के लिए। मुशर्रफ साहिबा और नज़ा साहिबा काबिले एहतराम खवातीन और बहुत ही अच्छी इन्होंने गुफ्तगु भी की है और एक दूसरे के सवालात का खुले दिल से जवाब भी दिया है। नाज़रीन दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, नज़ा साहिबा भी मुशर्रफ साहिबा भी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से आपसे मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिए है।